So let's start with the topic. CBDT has passed order under section 119 on issue of certificates for lower rate or nil deduction of TDS or lower or nil collection of TCS under section 206C9 for tax collection at lower rate, under section 197 for TDS relief at lower or nil rate, and 195 that covers the TDS on non-residents, because non-residents also apply for lower deduction of TDS. Earlier, CBDT has issued instruction that applicants can apply for lower or nil deduction certificate for financial year 2021. That will be allowed on or after 28th Feb. मतलब CBDT ने पहले ये कहा था that पहले क्या होता था कि लोग कभी भी apply करते थे and उसकी जो application की जो processing होती थी उसमें काफी time लग जाता था. तो जो certificate का benefit होता है, actual benefit जो हम लेना चाहते हैं वो हम जब लेना चाहते हैं तब certificate available होता नहीं. जब time period निकल जाता है तब उसके बाद certificate issue होता था. CBDT ने ये order pass किया था कि जो भी financial year 2021 यानी कि current year के लिए जो application LDC के लिए जो file करनी थी वो टिल 15th मार्च 2020 तक फाइल करनी थी. मतलब लास्ट डेट जो थी वो 15th मार्च थी और ये एप्लीकेशन ओपन हो गई थी 28th फेब से. मतलब आप अगर ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको 28th फेब के बाद ही ये एप्लीकेशन का विंडो ओपन हुआ था एप्लीकेशन के लिए और उसकी लास्ट डेट जो 15th मार्च रखी गई थी. बिकॉज प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन में टाइम लगता था इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले ही अप्लाई कर देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो LDC का सर्टिफिकेट आराम से अपने डिडक्टीज को दे दे, डिडक्टर्स को दे दे और वो लोअर रेट पे ही काटे. सो इस नोटिफिकेशन, ये जो ऑर्डर पास किया है अभी रिसेंट में, उसके तीन पार्ट्स है उस ऑर्डर के. फर्स्ट वन इज असेसीज, जो जिनके पास लोअर या निल डिडक्शन का सर्टिफिकेट 1920 मतलब पिछले साल के लिए ऑलरेडी है जो कि वैलिड है, एंड प्लस दे हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर LDC फॉर 2021. मतलब अगर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर दी है लेकिन वो एप्लीकेशन की अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, दैट इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, पहले पार्ट उनके लिए मेंशन किया गया है. देन दूसरा पार्ट वो है असेसी हु आर होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट लेकिन उन्होंने अभी न्यू सर्टिफिकेट के लिए 2021 के लिए अप्लाई नहीं किया है ऑन ट्रेसिस पोर्टल. एंड थर्ड पार्ट इज जो ऊपर के दोनों में कवर नहीं होते, जो लाइक दिस पॉइंट थर्ड पार्ट इज बेसिकली फॉर नॉन रेजिडेंट जिनके पास अभी LDC नहीं है फॉर 1920 के लिए नहीं है. सो हम फर्स्ट वालों के लिए क्या कहा है इस नोटिफिकेशन में. सो कैटेगरी वन के लिए इन्होंने ये बोला है कि जो भी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट थी 1920 के लिए उसकी जो वैलिडिटी है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 30th जून 2020. डिडक्शन होगा वो भी एज पर ओल्ड लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होगा जो 1920 के लिए है, ना कि न्यू एप्लीकेशन जो न्यू रेट इन्होंने अप्लाई किया है इन न्यू एप्लीकेशन फॉर 2021 उसमें जो रेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा. जो 1920 में जो भी चीजें मेंशन थी उस सर्टिफिकेट में उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होना है टिल 30th जून 2020. Now for next part, next category of this notification, assessees जिनके पास lower deduction certificate है valid but उन्होंने अभी application file नहीं करी है, उनके लिए भी जो date है वो extend कर दी गई है validity of certificate की 30 जून तक. But CBDT ने ये कहा है कि जो भी है उनको apply कर देना है till 30 जून तक for new certificate on portal as soon as possible. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पुराने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 30 जून तक अप्लाई कर एक्सटेंड कर दी है तो आपको कोई न्यू एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है, यू स्टिल हैव टू फाइल दिस एप्लीकेशन. वो भी इन्होंने एक तरह से लास्ट डेट बोल दिया है कि 30 जून तक तो अप्लाई करना ही करना है या उससे जल्दी आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, विच एवर इज अर्लियर. एंड सो डिडक्टर्स कैन स्टिल रिलाई ऑन योर देयर प्रीवियस सर्टिफिकेट टिल 30 जून सेम फॉर एज मेंशन इन फॉर फर्स्ट कैटेगरी. रेट भी आप ओल्ड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लेना है. एंड जो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने की है दैट फॉर 1920 वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिना अगर वो वैलिड नहीं है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. वैलिडिटी में ये भी आ सकता है पॉइंट कि अगर आपके पास 1920 का सर्टिफिकेट दिया है आपको शेयर किया है देन उसमें आप लिमिट चेक करिए कि कितने अमाउंट तक की इनकम थी जितने भी कि आपको TDS लोअर डिडक्शन पे ही काटना था. अगर वो अमाउंट आपको चेक करना हो कि वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई है या फिर कहीं उसकी वैलिडिटी जो थी वो मान लो मार्च से पहले या फिर दिसंबर की थी तो यू हैव टू चेक द वैलिडिटी फॉर दैट ऑल्सो. नाउ फॉर द थर्ड कैटेगरी जो कि पहले दो कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं, जिनके पास जिन्होंने ना ही एप्लीकेशन फाइल करी है अभी LDC के लिए फॉर 2021 और ना ही उनके पास 1920 का LDC है, फॉर देम इट इज इंस्ट्रक्टेड दैट दे हैव टू अप्लाई. उनके लिए एक नया सिस्टम अरेंज किया है AO ने कि उन्हें ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है. So basically this part is for non-residents assessees including foreign companies also jinka PE India mein hai. So aur unke paas existing LDC certificate nahi hai.
for 1920 and now as of now till 30th June इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने बोल दिया है कि अब जो टीडीएस टिल 30th जून जो डिडक्ट करना है वो 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस टिल 30th जून, मतलब कि पहले जो नॉन रेजिडेंट का हम डिडक्ट करते थे वो 20% पे करते थे बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैन. सो एज ऑफ नाउ फॉर टिल 30th जून आप 10% पर डिडक्ट कर सकते हैं प्लस सरचार्ज प्लस सेस जो कि नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई होता है. Thus, so there is a concession in the rate. They have given the concession in TDS rate. वो भी इरिस्पेक्टिव है कि चाहे उन्होंने अप्लाई किया है 2021 के लिए या नहीं. सो फॉर दिस उन्होंने एज ऑफ नाउ टिल 30 जून के लिए तो 10% बोल दिया है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है, उन्होंने ये भी बताया है कि एक मॉडिफाइड प्रोसीजर उन्होंने बनाया है कि वो ताकि वो अप्लाई कर सके सर्टिफिकेट के लिए. सो उनको अप्लाई करना है, सो दैट इज मैंडेटरी फॉर देम टू अप्लाई एंड वो मॉडिफाइड प्रोसीजर आई विल शेयर लेटर इन दिस विद यू. So if in case the deductees don't apply for certificate, तो क्या हमने उनके पुरानी सर्टिफिकेट पे विश्वास कर लिया, लेकिन मान लो अब नेक्स्ट ईयर के एप्लीकेशन उन्होंने फाइल ही नहीं करी, हमें बोल दिया कि करेंगे फाइल और उन्होंने नहीं करी, तो क्या करेंगे हम. सो इसके लिए सजेस्टेड ये है कि आपको उनसे एक डिक्लेरेशन लेनी होगी. जो भी डिडक्टर्स हैं वो अपने सभी डिडक्टीज से डिक्लेरेशन ले ले. आपको अगर डिक्लेरेशन का फॉर्मेट चाहिए देन आई कैन गिव यू, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड तो इसमें ये भी मेंशन नहीं है कि और अगर जैसे कि शॉर्ट डिडक्शन करते हैं कोई भी डिडक्टर, अगर अपने डिडक्टी का शॉर्ट डिडक्शन करता है या फिर टीडीएस नहीं काटता है जस्ट बिकॉज ऑफ एलडीसी, बिकॉज अभी 2021 के लिए एलडीसी तो है नहीं, वी आर रिलाइंग ऑन द प्रीवियस ईयर एलडीसी. सो तो डिडक्टर पे क्या लाइबिलिटी या क्या कंसिक्वेंसेज आ सकते हैं उसके बारे में अभी कुछ भी डिस्कस यहाँ पे नहीं हुआ है और कुछ भी मेंशन नहीं है इस नोटिफिकेशन में. सो बट यस दे आर ऑल डिडक्टर्स आर सजेस्टेड, इनफैक्ट सभी ले रहे हैं declaration from their all deductees because there is a chance that ki unka jo bhi unhone agar jinhone application kar diya hai to ho sakta hai ki wo reject ho jaye ya jo rate ke liye unhone apply kiya hai wo rate adhi na ho, koi usse kam ya koi zyada mil jaye. So chances hai to unse jo declaration lenge aap usme aapko ye cheezon ka dhyan rakhna hoga ki ye usme zarur mention hai कि उन्होंने एप्लीकेशन करेंगे या कर दी है, और जब भी उनका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जब भी उनका प्रोसेस हो जाएगा, दे विल इन्फॉर्म देयर डिडक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन. तो 195 में जो 10% अभी के लिए बोला है फॉर नॉन रेजिडेंट्स, उनके लिए उनको अभी भी एप्लीकेशन करनी है टू देयर कंसर्न यू, और उसका जो प्रोसेस है उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग के लिए उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया है. फॉर दैट यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू योर कंसर्न ए ओ वाया ईमेल. तो उस ईमेल में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फॉर्म 13, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट 18-19 ईयर की, 26 ईयर्स लगाना है और इनकम टैक्स रिटर्न लगाना है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल में अटैच करने हैं और अपने एओ से रिक्वेस्ट करनी है फॉर डोर डिडक्शन ऑफ टैक्स. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर टिल 30th जून. एंड उसके बाद एओ वो आपकी सारी चेकिंग करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वो आपको मेल के थ्रू ही आपको वो एलडीसी का मेल पे ही आपको सेंड कर देगी. सो एलडीसी जो है वो इशू हो जाएगा आपको, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको इशू हो जाएगा वाया ईमेल मोड. एंड ये प्रोसेस सिर्फ 30th जून तक ही है. सो अगर आपको लोअर रेट चाहिए अभी भी 10%, मतलब जो 195 सेक्शन में जो 10% का रेट बोल दिया है करंट पीरियड के लिए 30th जून, उसके लिए स्टिल यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन. So in concluding points, it is noticed that notification में जो extension है till 30th June, मतलब पुराने certificate जो 1920 का है उस पर reliance करना है, तो वो सिर्फ TDS और TCS वालों के लिए ही हुआ है, लेकिन जो 195 में cover होते हैं non residents for 2021, उनको still application करना है, वो भी through mail, जो मैंने अभी पहले discuss करी है modified procedure, इसके through आपको apply करना है still to your AO, और certificate आपको मिल जाएगा via email. So